हेलो दोस्तों, आज हम असुस के लैपटॉप में एसएसडी में अपडेट करेंगे इसको। सबसे पहले हमने इसके शट डाउन कर लेना है प्रॉपरली, नहीं तो फिर पावर के बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है ताकि ये एकदम प्रॉपर शट डाउन हो जाए। अभी हम बेस पे 10 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर यूज कीजिए। हमारे इस लैपटॉप में 2 स्क्रूज मिसिंग है। जो ये आगे वाले स्क्रूज और जो ये पीछे वाले 4 स्क्रूज जो हिंज के साथ होते हैं, ये अलग अलग साइज के होते हैं। इसे आप चाहे अलग अलग भी रख सकते हैं, अगर आप प्रॉपरली कंफर्म नहीं हो या आप पहली बार लैपटॉप खोल रहे हो, तो ये स्क्रूज आप अलग अलग रख सकते हैं। इस मॉडल में मदरबोर्ड बेस पे टाइट किया होता है, इसलिए हमारा जो ये टच पैड है, ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा। अभी हम ओपनर की मदद से टच पैड और बेस के बीच में जो गैप दिया हुआ है, इसमें हम डालेंगे और इसे अनलॉक करेंगे। इसमें जो प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं वो खुल जाते हैं। इसे ध्यान रखना कि आपने ऊपर से होल्ड करके रखना है, वरना ये एकदम बाहर की तरफ ही निकल जाता है कई बार। इसमें जो कीबोर्ड और टच पैड है, इसकी केबल लगी होती है मदरबोर्ड के साथ। देखिए, इसको अनलॉक करना है केबल को और ये बाहर निकल गई टच पैड की, और ये कीबोर्ड की केबल को अनलॉक किए, ये बाहर निकल गई। ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी है, ये वाईफाई कार्ड है, ये सीपीयू फैन है, ये ऑनबोर्ड रैम है, ये मदरबोर्ड है, ये हमारा डीवीडी ड्राइव है, और ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसको हम निकाल के एसएसडी डालेंगे। इसमें एक स्क्रू दिया होता है, इसे हम खोल लेंगे। जो ये हार्ड डिस्क है, इसकी केसिंग को स्लाइड करेंगे बाहर की तरफ। केसिंग में 4 स्क्रूज दिए हुए हैं जो हार्ड डिस्क को होल्ड करते हैं, इसे हम खोल लेंगे। ये हमारी तोशिबा की 500 GB हार्ड डिस्क है। अभी हम किंगस्टन की 120 GB SSD डालेंगे। सेम ऐसे ही इसे दोबारा फिट कर देना है और 4 स्क्रूज केसिंग के टाइट कर देने हैं। अभी ऐसे ही इसे हमने यहाँ पे रख के अंदर मदरबोर्ड के कनेक्टर की तरफ स्लाइड कर लेना है और केसिंग को यहाँ पे एक स्क्रू लगा देना है। अभी हम अपर केस डालेंगे इस पे, यहाँ बैक से रख के। इसको जब फिट करना है, सबसे पहले कीबोर्ड की केबल लगानी है हमने। कीबोर्ड की केबल को अंदर डालना है और लॉक कर लेना है। ठीक ऐसे ही हमने टच पैड की केबल को इसको अंदर डालना है और लॉक कर देना है। अब
अभी हमने इसको सभी तरफ से प्रेस कर लेना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं वो प्रॉपरली फिट हो जाए। अभी हम इसके सभी स्क्रूज को टाइट कर लेंगे। अभी हम लैपटॉप को चार्जर कनेक्ट कर लेंगे। एक हमने यूएसबी कीबोर्ड भी लगाया हुआ है इसमें। इसका इंटरनल कीबोर्ड चलता है इसलिए अभी हम इसे ऑन कर लेंगे और F2 का बटन प्रेस करके रखना है ताकि ये बायोस में चले जाए। यहाँ मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारी आ गई है किंगस्टन की 120 GB हार्ड ड्राइव। ये आप देख सकते हैं किंगस्टन 120 GB। फर्स्ट बूट हमारी यही है, बूट ऑप्शन फर्स्ट किंगस्टन है। ये हमारी थोड़ी स्क्रीन डैमेज है यहाँ से, अभी हम इसमें विंडो कर लेंगे। हमने फर्स्ट बूट ये रखा है, बूटेबल पेन ड्राइव डाल के इसमें विंडो हम इंस्टॉल कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम लैपटॉप को ऑन करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करके रखेंगे जब तक कि बूट डिवाइस की ऑप्शन नहीं शो करता। इसमें हमने सैंडिस्क की बूटेबल पेन ड्राइव बनाई हुई है विंडो 10 की, उसमें हम UEFI सैंडिस्क को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। हम फिलहाल USB कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप जिस प्रकार की पेन ड्राइव बनाएंगे विंडोज 10 की उसी प्रकार की शो करेगा। कईयों में होती है विंडो 10 प्रो होम एडिशन होती है या होम सिंगल लैंग्वेज होती है। वैसे हमारे इसमें है सिर्फ 3 ऑप्शन है विंडो 10 प्रो की, जिसमें OEM है, एक DLA, एक स्टैंडर्ड है। अभी ये हमारी पेन ड्राइव बूट कर रही है। इसमें हमने लैंग्वेज टू इंस्टॉल और टाइम एंड करंट फॉर्मेट, कीबोर्ड और इनपुट टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, ये सब सेम वैसे ही रहने देना। नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल नाउ। अब ये हमारी वाली विंडो में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड है, एक डिजिटल लाइसेंस एक्टिवेशन है, एक OEM वर्जन का है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। इस पर हमने सेलेक्ट करके नेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। फिर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, फिर नेक्स्ट,
कस्टम इंस्टॉल, ये हमारी 120 GB हार्ड ड्राइव आ गई है। इसमें हमने न्यू को सिलेक्ट करना है। हमने पूरी की पूरी 120 को ही 120 में ही विंडो इंस्टॉल करनी है। इसमें अप्लाई कर देंगे। ये पूछ रहा है कि टू इंश्योर दैट ऑल विंडो फीचर्स वर्क करेक्टली विंडोज माइट क्रिएट एडिशनल पार्टीशन फॉर सिस्टम फाइल्स। ओके कर देना है। एडिशनल फाइल्स मीन्स ये दो या तीन पार्टीशंस और बनाएगा, कुछ MB की बनाता है सिर्फ, जिसमें विंडोज़ की सिस्टम फाइल्स होती है। 120 में से 111 GB हमें पार्टीशन मिला हुआ है। इसमें से तीन पार्टीशंस और बन गए कुछ MB के ही है। अभी हमने बस इस सी वाली को, ये है हमारी सी है 111 GB, यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना बस। अब आपकी विंडो की फाइल्स कॉपी हो रही है, उसके बाद विंडो की फाइल्स इंस्टॉल होगी। कुछ टाइम लेगा, नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स लेगा और आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। फाइल्स कॉपी होगी, अब ये स्टार्ट हो गया इंस्टॉलेशन का प्रोसेस।